झंगा थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए डबल मर्डर के वादी पक्ष की तरफ से नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त पर एसएसपी शलभ माथुर ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। गांव में स्थिति फिलहाल सामान्य है। दोनों शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, वहां पर भी स्थिति सामान्य है। आपको बताते चलें कि मंगलवार को झंगा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने घटना के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए बताया, ये कल डबल मर्डर की घटना हुई थी। इसके अंदर वादी पक्ष द्वारा 9 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। ये घटना पुरानी रंजिश को लेकर अभी तक प्रकाश में आए, पुरानी रंजिश को लेकर संदर्भ में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत थे और 2016 में भी एक हत्या हुई थी और जो 2017 में भी एक अभियोग दूसरे पक्ष द्वारा लिखाया गया था। इस घटना के संदर्भ में टीमें गठित कर दी गई, एसपी क्राइम और जो कंसर्न एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच की और टीम और थाना अध्यक्षों की टीमें इसके अंदर लगाई गई। जो एक मुख्य अभियुक्त है जिसके बारे में जानकारी हुई है कि पहले से फरार चल रहा है राघवेंद्र, उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लेके आए, उनसे कुछ डिटेल्स वगैरह की जानकारी हुई और यथाशीघ्र दोषी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। दोनों शवों का पोस्टमार्टम हो गया। डेड बॉडी क्रिमेशन के लिए जो वहाँ का घाट है, जो गांव के पास का घाट है, वहाँ पर पहुँच के वहाँ पर उनके परिवारजन और जो पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाए।